केबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में शराब पीने से रोकने पर चार नाबालिगों ने व्यक्ति को उतारा मौत के घाट, पुरानी रंजिश के चलते की हत्या। नागपुर में बांग्लादेश से की जा रही मानव तस्करी, रेलवे स्टेशन पर एटीएस व क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, दो युवतियां, नौ महिलाएं व एक पुरुष को धर दबोचा। और प्रेम संबंध में पिस्तौल चलाने वाले को अपराध शाखा ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार की सुबह इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक का नाम सुनील जवादे, उम्र 41 वर्ष है। वहीं इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। चार नाबालिगों को एक व्यक्ति ने उन्हें शराब पीने से रोका। इसी बात का गुस्सा लेकर नाबालिगों ने व्यक्ति की निर्ममता से हत्या कर दी। ये मामला इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामबाग निवासी मृतक सुनील जवादे, उम्र 46 वर्ष, एक सामाजिक कार्यकर्ता है और दो महीने पहले उन्होंने रामबाग निवासी चार नाबालिगों को शराब, सिगरेट ऐसे नशीले पदार्थ पीने से रोका था, लेकिन उन्हें ये बात हजम नहीं हुई और इस बात का मन में गुस्सा लेकर वे बैठे थे। वही दो से तीन दिन पहले फिर चारों की सुनील जवादे के साथ कहासुनी हुई और चारों ने सुनील जवादे को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध शाखा पुलिस ने प्रेम प्रकरण के चलते शिकायतकर्ता पर पिस्तौल चलाने वाले को गिरफ्तार किया, साथ ही आरोपी के पास से एक राउंड और मैगजीन बरामद की। अजनी पुलिस थाना में धारा 307 के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। आरोपी विक्की राधेश्याम चकोले ने प्रेम प्रकरण के चलते शिकायतकर्ता को पिस्तौल चलाकर जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्तौल नहीं चली। इस मामले में आरोपी की तलाश अपराध शाखा कर रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी पूना गया था और वहां से लौटकर नागपुर आया है, साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इसी आधार पर अपराध शाखा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से एक राउंड और मैगजीन जब्त, साथ ही आरोपी ने पिस्तौल उसी समय झाड़ियों में फेंक दी थी। पुलिस स्टेशन अजनीला एक गुन्हा दाखल झाला होता। अपराध क्रमांक आहे 698/21, 307 चा गुन्हा आहे। त्याच्यामध्ये आरोपीचं नाव आहे विक्की राधेश्याम चकोले, वय 28 वर्ष, राहणार वलनी खापरखेडा। याने प्रेम प्रकरणाचं संबंधातून त्यांचा वाद झाला आणि त्या वादातून त्याने फिर्यादीला जीवाने ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। त्याकरिता त्याने पिस्टलचा वापर केला, फायर केला, पण फायर झालेला नाही। त्यानंतर हा गुन्हा रजिस्टर झाल्यानंतर गुन्हे शाखाचे वेगवेगळे पथक समांतर तपास करीत होते, आरोपीचा शोध घेत होते। तेव्हा आम्हाला गोपनीय माहितीगाराकडून आणि तांत्रिक पद्धतीने माहिती मिळाली की सदरचा आरोपी हा पुण्याला गेला होता आणि पुण्यावरून परत नागपूरला आलेला आहे आणि तो रेल्वे स्टेशन गणेशपेठ त्या एरियामध्ये तिथे जवळपास आहे। आम्ही COC कॅमेरेचा वापर केला, CCTV फुटेजेस चेक केली आणि आरोपी शोधून काढला। त्याच्याकडून एक मॅगझिन आणि एक राऊंड हे जप्त करण्यात आलेलं आहे। बाकी त्याच्या सांगण्याप्रमाणे, आरोपीच्या सांगण्याप्रमाणे त्याने पिस्टल तिथेच फेकून दिली होती। इन्सिडेंट झाल्यानंतर जेव्हा तो पडून गेला तर झाडी झुडपीमध्ये फेकून दिली। बाकी इतर तपास चालू आहे, ती पण आम्ही रिकवर करू। क्रिमिनल रेकॉर्ड नाही आहे असं। हा मुंबईला फायर ब्रिगेड बिग बॉस जे आहे चॅनल सिरियल, त्यामध्ये फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंटला खाजगी नोकरी करतो, 12,000 रुपये प्रति महिना। मानव तस्करी और देह व्यापार की अंतरराष्ट्रीय टोली नागपुर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है।
क्राइम ब्रांच तथा एटीएस दल ने मंगलवार की रात रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर सूरत जा रही 9 महिला, 2 युवतियां और एक पुरुष को पकड़ा है। इस मामले की आगे की जांच जारी है। एटीएस को मंगलवार की रात हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में देह व्यापार तथा दूसरे अवांछित काम के लिए महिलाओं को सूरत ले जाने का पता चला। एटीएस ने पुलिस आयुक्त मितेश कुमार को इसकी सूचना दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी चिन्मय पंडित ने स्टेशन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई। चिन्मय पंडित की अगुवाई में एटीएस दल ने नागपुर स्टेशन पर दबिश दी। रात 10 बजे ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची। पुलिस को इंजन के बाद की बोगी में महिलाओं के होने का पता चला। उनके पास महिलाओं के साथ मौजूद व्यक्ति का फोटो भी था। उक्त व्यक्ति और महिलाएं बोगी में दिखाई नहीं देने पर पुलिस भी चकरा गई। उसने एक एक कर अन्य बोगियों की भी तलाशी ली। करीब आधे घंटे की खोजबीन के बाद ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगी में महिलाएं मिल गई। पुलिस को 9 महिलाएं तथा एक पुरुष और 2 युवतियां मिली है। उन्हें क्राइम ब्रांच कार्यालय में पूछताछ करने पर सूरत जाने का पता चला। महिलाओं के साथ 5 बच्चे भी है। सभी 22 नवंबर की रात ट्रेन में सवार हुए। उन्हें बांग्लादेश के दलाल ने हावड़ा के दलाल का नंबर दिया था। 2 युवतियों को अधिक पैसे कमाने का प्रलोभन देकर देह व्यापार, जबकि अन्य 7 महिलाओं को दूसरे अवांछित काम करने के लिए लाया गया था। हावड़ा का दलाल सभी को सूरत भेज रहा था। सूरत का दलाल सभी को अलग अलग शहरों में रवाना करने वाला था। महिलाओं का कहना है कि बांग्लादेश में वे गरीबी का शिकार है। पैसे कमाने की लालसा से वे भारत में आए थे। कुछ महिलाएं पहले भी इसी तरह के अवैध तरीके से भारत आई थी। कुछ समय ठहरने के बाद लौट गई। दोबारा काम मिलने का भरोसा दिलाने पर लौट आई। हावड़ा और सूरत के दलाल पकड़े जाने पर ही इस रैकेट की सच्चाई सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम पीटा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार सह आयुक्त अश्वती दोरजे, अपर आयुक्त सुनील फुलारी तथा डीसीपी चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। परवा दिवशी आम्हाला आमचे माननीय सीपी सर श्री अमितेश कुमार सर आणि जे महाराष्ट्र एटीएसचे प्रमुख आहेत अग्रवाल सर यांनी यांच्याकडे इन्फॉर्मेशन होती की काही लोक हावडा सूरत या ट्रेनने प्रवास करतायत आणि त्यांचे जे क्रेडेन्शियल्स आहेत ते थोडेसे डाऊटफुल आहेत आणि ते बांगलादेशी असण्याची शक्यता आहे। तर या इन्फॉर्मेशनवरनं नागपूर एटीएस आणि नागपूर क्राईम ब्रांच आम्ही संयुक्त विद्यमानी जेव्हा ट्रेन इथे थांबलेली होती त्यावेळी डब्यात जाऊन तपासणी केली आणि साधारण 10 महिला आणि 1 पुरुष असे आम्हाला त्यामध्ये डाऊटफुल संशयित व्यक्ती सापडल्या। त्यांना आम्ही नंतर बाहेर काढून त्यांच्याकडे चौकशी केली। पूर्ण रात्रभर त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की कोणाकडेही म्हणजे जे डॉक्युमेंट्स असतात की आपले एखादी नॅशनॅलिटी प्रूव्ह करण्याची जे डॉक्युमेंट्स असतात आधार कार्ड किंवा हे आहेत ते प्रॉपर नाही आहेत आणि ज्यांच्याकडे आहेत ते देखील आम्ही व्हेरीफाय केले तर त्याच्यात ते रेकॉर्ड्स नॉट फाउंड असं देखील आलं। तर या ह्याच्यानंतर आमचा संशय बळावला आणि त्यानंतर आम्ही त्यांचे स्टेटमेंट्स वगैरे घेतले तर त्यात असं आम्हाला लक्षात आलं की या ज्या 10 महिला होत्या त्यापैकी 2 ज्या महिला आहेत त्या डेफिनेटली त्यांना सूरतला त्या जाणार होत्या आणि सूरतला तिथे त्यांना वेश्याव्यवसायमध्ये त्यांना म्हणजे त्यांचा वापर केला जाणार होता आणि त्यांच्या मोबाईलमध्ये काही आम्हाला असं मटेरियल देखील सापडले की जे ह्याला सपोर्ट करते। बाकी देखील लोकांचे आम्ही अजूनही चौकशी करत आहोत आणि आता आम्ही हे प्रपोजल पुढे पाठवून जो आपली आमची स्पेशल ब्रांच असते त्यांच्यामार्फत परराष्ट्र मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करून ह्यांचे जे क्रेडेन्शियल्स आहेत ते बांगलादेश एम्बॅसीकडनं चेक करणार आहोत। ह्या सर्व जे 10-11 लोक आहेत ही सर्व संशयित पीडित व्यक्ती आहेत आणि ज्या लोकांनी ह्यांना बांगलादेश बॉर्डर क्रॉस करायला मदत केलेली आहे अशा लोकांचे देखील काही डिटेल्स आमच्या हाती लागलेले आहेत आणि जे रिसिव्हर्स आहेत त्यांचे देखील काही डिटेल्स लागलेले आहेत। तर अशा या 3 व्यक्तींवरती आता प्राथमिक चौकशीमधनं जे बाहेर आलं त्या 3 व्यक्तींवरती आम्ही गणेशपेठ पोलीस स्टेशनमध्ये जो इमॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन ॲक्ट आहे आणि आयपीसीचे काही कलम आहेत 420 438, कारण त्यांचे जे आधार कार्ड्स होते ते पण फेक आधार कार्ड्स आहेत, तर अशा कलमांच्या अंतर्गत आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। राज्य सरकार द्वारा गुंठेवारी नियमितीकरण शुल्क 56 रुपए से बढ़ाकर 168 रुपए किए जाने से हंगामा मचा है, जिसके विरोध में भाजपा ने गुरुवार को शहर के 6 जोन में ज्ञापन सौंपा और राज्य सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही गुंठेवारी जीआर रद्द करने की मांग की। गुंठेवारी योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास की ओर से किए गए नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है।
कुछ मामलों में नियमों को ताक पर रखकर नियमितीकरण और प्लान मंजूर होने से जांच भी शुरू हो चुकी है। एक और जहां न्यायिक मसलों में गुंडेवारी का मामला अटक गया है, वही अब राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण शुल्क 56 रुपए से बढ़ाकर 168 रुपए तक किया गया है, जिसके विरोध में भाजपा सड़क पर उतर आई है। गुरुवार को भाजपा ने 6 जोन में गुंडेवारी योजना का GR रद्द करने और पुराने नियम लागू करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। पिछले बार भाजपा ने चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द GR रद्द नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। इसी अनुसार गुरुवार को भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर राज्य सरकार का पुतला जलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार आने से NIT ने अपनी दुकानदारी फिर शुरू कर दी है, जो हमने बंद कराई थी। आम्ही दुकानदारी बंद केली होती, परंतु हे सरकार आल्यानंतर यांनी पुन्हा NIT जिवंत केलं आणि पुन्हा या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेवाल्याची दुकानदारी शुरू झाली। आणि म्हणून हा काळा GR रद्द व्हावा त्यासाठी नागपूर शहराची जनता आणि भारतीय जनता पक्षाने एक शॉर्टकट नोटीस मध्ये मागच्या वेळेस आम्ही मोर्चा काढला। या नागपूर शहराचे 25,000 लोक त्या मोर्चामध्ये सामील झाले होते आणि म्हणून जोपर्यंत हा काळा GR रद्द होत नाही आम्ही वाट पाहत होतो का नागपुरात अधिवेशन उद्धव ठाकरेंनी घ्यावं, परंतु उद्धव ठाकरे सरकार हे कायद्याचे नियमाचे उल्लंघन करत आहे। या नागपुरात अधिवेशन होऊ नये म्हणून त्यांची अशी भूमिका आहे। आणि तुम्ही पाहत असाल लगातार या राज्यामध्ये या शहरामध्ये या 2 वर्षांमध्ये 1 रुपया विकासाच्या नावावर यांनी दिला नाही, उलट या सरकारले काल 2 वर्ष झाले। या सरकारले अगर बक्षीस अगर द्यायचे असेल ते भ्रष्टाचारामध्ये सगळे मंत्री फसल्या यांले याच्यात बक्षीस आपण दिलं पाहिजे। आपण 4 दिवस अगोदर अगर एक आदेश अगर सरकारच्या अगर पहला असेल यांले पेट्रोलवर GR पेट्रोलवर VAT कमी करण्याची चिंता नाही आहे। 1 लिटर पेट्रोल डिझेलवर हे सरकार 50 रुपये टॅक्स घेते, 50 रुपये। भारतीय जनता पक्षाच्या देशातल्या सगळ्या राज्याने VAT कमी केलं पेट्रोल डिझेलवर, पंजाब सरकार काँग्रेसच्या तिथं त्यांनी कमी केलं, परंतु या राज्य सरकारने तेही सुद्धा कमी केलं नाही। आणि 4 दिवस आता विदेशी दारूवर 50% त्यांनी त्याच्यावर चार्ज कमी केला। आता ते घरोघरी दारू देणार आहे का मालूम नाही। 1,000ची बॉटल आता 500 रुपये भेटणार आहे, 500ची 250 रुपये दारूची बॉटल भेटणार आहे। अशा सरकार हे जनतेवर अन्याय करणारी सरकार। शहर में ट्रैफिक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन लोगों ने चालान नहीं भरा उन्हें 11 दिसंबर तक चालान भरने की अंतिम तारीख दी गई है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त सारंग आवाड़ ने दी। शहर में कई ऐसे लोग हैं जो मनमानी ढंग से गाड़ियां चलाते हैं और ऐसे लोगों पर ट्रैफिक विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग चालान नहीं भरते, जिसके चलते ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो इस उद्देश्य से ट्रैफिक विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत जिन लोगों ने चालान की राशि नहीं भरी उन्हें 11 दिसंबर को चालान भरने की अंतिम तारीख दी गई है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त सारंग आवाड़ ने दी। इस दरमियान उन्होंने बताया कि अगर उन्हें कोई ट्रैफिक कर्मचारी मिलता है उसके पास वो ये राशि जमा कर सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन भी वे इस राशि को जमा कर सकते हैं। इस दरमियान उन्होंने जल्द से जल्द चालान भरने की जनता से अपील की। आपण ज्यांचे ज्यांचे अनपेड चालान आहेत, ज्यांनी चालान भरलेले नाही आहे, अशा लोकांसाठी सप्टेंबर महिन्यामध्ये लोक अदालत घेतली होती आणि न्यायालयात खटले पाठवले होते। त्यावेळेस जवळजवळ 32 लाख रुपये जमा झाले होते। यावेळेस पुन्हा आम्ही 11 डिसेंबरला पुन्हा लोक अदालत घेणार आहोत आणि त्याच्यापूर्वी 1 तारीख ते 5 तारखेपर्यंत आपण कुठल्याही ट्रॅफिकच्या ऑफिसमध्ये कुठल्याही कर्मचाऱ्याकडे आमच्या DCP ट्रॅफिक ऑफिसमध्ये येऊन आपले पेंडिंग चालान भरू शकता। खूप जास्त पेंडिंग चालान आपल्याकडे असतील आणि आपण ते भरले नाही तर आपली गाडीसुद्धा हे होऊ शकते, जप्त होऊ शकते। यासाठी आम्ही आपण सर्वांना हे आवाहन करत आहोत। नागपूर शहरामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये चालान पेंडिंग राहिलेले आहेत, सर्वच शहरांमध्ये आहेत, आणि जर आपण आपल्याकडे पेंडिंग चालान आहेत की नाही हे कळायचं असेल आपल्या गाडीवरती, तर आपण शहरामध्ये जिथे कुठेही ट्रॅफिकचं कुठलाही कर्मचारी उभा असेल त्यांच्याकडे E-Device असतं, त्यांच्याकडे जाऊन आपण गाडी नंबर सांगून आपल्यावर पेंडिंग चालान आहेत का नाही याची खात्री करू शकता।
ट्रॅफिक ऑफिसमध्ये जाऊ शकता किंवा ऑनलाईनसुद्धा जाऊन आपण महाट्रॅफिक ॲपवरती जाऊन आपले चलान पेंडिंग आहे का नाही ते भरू शकता. आपली गाडी ट्रान्सफर करायची आहे किंवा आपल्या गाडीचं दुसरं कुठलं काही काम करायचं असेल अशा वेळी मग आपल्याला अडचणी निर्माण होणार नाहीत. माझी नागपूरकरांना विनंती आहे की त्यांनी जे अनपेड चालान आहेत ते जास्तीत जास्त भरावे आणि आपल्याला पुढे होणाऱ्या त्रासापासून स्वतः मुक्ती घ्यावी. वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने गुरुवार को परमवीर सिंह पर निशाना साधा. कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद वे आखिरकार सामने आ गए. वसूली के आरोपों में घिरे भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सिंह कई महीने तक गायब रहने के बाद गुरुवार को मुंबई पहुंचे. मलिक ने पत्रकारों से कहा कि सिंह का आज मुंबई में सामने आना दिखता है कि उन्हें भगोड़ा घोषित किया जाना जरूरी था. परमवीर सिंह यानी अनिल देशमुख साहेबांवर खोटी तक्रार करून कि 100 कोटी वसुलीचा टार्गेट देण्यात आला होता असा आरोप केला. आरोप केल्यानंतर अनिल देशमुख साहेबांनी राजीनामा दिला. चांदीवाल कमिशन गठित करण्यात आला या प्रकरणाच्या चौकशी करण्यासाठी. मग कोर्टात जाऊन CBI कडे हे सगळं तपास दिलं पाहिजे. CBI कडे गेलं, थडकाफडकी CBIने दिल्लीमध्ये गुन्हा दाखल करून घेतला. CBI आणि ED च्या माध्यमातून देशमुख साहेबांना अटक करण्यात आली, पण अजून कुठलेही पुरावे कमिशनकडे किंवा कोर्टाकडे, वाजेकडून किंवा परमवीरकडून कुठलेही पुरावे सादर करते आले नाही. म्हणजे राजकीय हेतूने हे सगळ्या कारवाई झालेली आहे. निश्चित रूपाने देशमुख साहेब न्यायालयीन लढा लढणार आहे, ते निर्दोष आहे आम्ही सिद्ध करू. पण परमवीर सिंग मे महिन्यापासून हे फरारी होते. पोलीस खात्याने त्यांना फरारी घोषित केल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टात त्यांनी दाद मागितला की माझ्या जीवाला धोका आहे, मला अटक होऊ शकते. आम्हाला वाटते जे मुंबईचे कमिशनर होते त्यांना जीवाला धोका वाटते हे कोणीही स्वीकारणार नाही. निश्चित रूपाने त्यांच्यावर 5 गुन्हे दाखल आहे. गोरेगाव, मरीन ड्राईव्ह, कोपरी पोलीस स्टेशन, ठाणे, ठाणे नगर पोलीस स्टेशन, बाजारपेठ पोलीस स्टेशन, त्याच्यातले 4 गुन्हे हे खंडणीचे आहे. 1 गुन्हा हे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना फसवण्याचा आहे, त्यांच्या ऐकत नसताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. म्हणजे जो पोलीस कमिशनरच्या पदावर होता आणि पदावर बसून खंडणी वसूल करत होता, लोकांसमोर आल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला, लपून राहिले, फरारी घोषित झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले आणि अटक करू नये असा आदेश त्यांनी मिळवलेला आहे. निश्चित रूपाने या देशाचे कायदे कुणालाही कुठलेही संरक्षण देत नाही. कायदेपेक्षा कोणी मोठा नाही. न्यायालयीन लढा असेल तर निष्पक्ष कारवाई करण्यासाठी जे काही शक्य होईल ते करतील, पण फरारी घोषित केल्यानंतर आज ते समोर आलेले आहे. निश्चित रूपाने पोलीस कुणावर अन्याय करणार नाही.
पण जे कोणीही गुन्हा केला असेल तर त्यांनाही पोलीस सोडणार नाही, सरकार सोडणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई होतील आणि फरारी घोषित केल्याशिवाय ते समोर येत नव्हते, आता हे स्पष्ट झालेलं आहे. विधायक टेकचंद सावरकर ने रातभर जागकर मौदा तहसील की अवैध रेत तस्करी का पर्दाफाश किया. तहसीलदार और पुलिस द्वारा रेत तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से खुद ही कार्रवाई की. बीते कई दिनों से मौदा तहसील में कई जगह अवैध रेती माफिया द्वारा बड़े पैमाने पर रेत की तस्करी की जा रही है, जिसकी कई शिकायतें विधायक टेकचंद सावरकर को मिली थी. इन्हीं शिकायतों के आधार पर विधायक सावरकर ने तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक को इस संबंध में जानकारी दी और शिकायत भी की, लेकिन दोनों अधिकारी द्वारा रेत तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए विधायक टेकचंद सावरकर ने खुद 23 नवंबर को रात भर जागकर कई जगह कार्रवाई की. विधायक टेकचंद सावरकर खुद मौदा तहसील के चिकना घाट पर मौजूद थे. इस दौरान 3000 ट्रक में अवैध रेत दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार और उपविभागीय अधिकारी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब न मिलने से उन्होंने नाराजगी जताई. वहीं उन्होंने नायब तहसीलदार श्री काले को फोन कर तुरंत अवैध रेत जब्त करने के आदेश दिए. इस बीच ध्यान में आया कि प्रत्यक्ष में रेत कम थी और उससे 3 गुना ज्यादा शासन की रॉयल्टी मौदा के तहसीलदार ने दी है. ऐसे में सरकार का करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने तहसीलदार पर भी कार्रवाई करने की मांग की. मित्रांनो, आज 23 तारखेची सकाळ म्हणजे पहाट 6 वाजलेले आणि 6 वाजता या महाराष्ट्राच्या सरकारचे धिंडोळे करणारी परिस्थिती या मौद्या तालुक्यातले तहसीलदार वीरानी यांनी आणलेली आहे. मित्रांनो, आंधळा दडतो आणि कुत्रा पीठ खातो याच्यात उलट आहे. कुत्रा पीठ खातो आणि आंधळे होऊन तहसीलदार या राज्याची संपत्ती लुटतायत. अजब तुझी सरकार उद्धवा, अजब तुझी सरकार. या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आज भ्रष्टाचार 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 सुरू आहे. मी आज रात्रभर फिरत आहो, दारूची लय लूट, शासनाच्या कोणत्याही नियमानुसार अवैध दारू विक्री सुरू आहे. तहसीलदार ठाणेदाराला सांगितलं ते ऐकत नाही. आमदार रात्रभर फिरतो, दारू पकडून देतो. आज मी चिकना घाटावर आलेलो आहे, मौदा घाटावर. येथे कम से कम 3000 ट्रक अवैधरित्या उत्खनन केलेलं आहे. आणि तुम्ही पहा इकडे हे रेतीचे ढिगारे, पहा रेतीचे ढिगारे. असे 5 ठिकाणी रेतीचे मोठ्या प्रमाणामध्ये ढिगारे आहेत. आणि निश्चितपणानं या ठिकाणी मी मागणी करतो की जो कोणी तहसीलदार, जो कोणी RI, जो कोणी या ठिकाणी पटवाडी असत त्याला तत्काळ उद्याच्या उद्या जिल्हाधिकाऱ्यानं सस्पेंड केलं पाहिजे. दुसरी मागणी, ज्यांनी कोण हा ज्याच्या अधिकारात हा शेत आहे या ठेकेदाराच्या, त्याच्यावर पटीनं शासनाच्या नियमाप्रमाणे तत्काळ कारवाई करून त्याच्याकडून वसुली केली पाहिजे. हा जो माल या ठिकाणी दिसते याचा छुपा नाही तर जाहीर लिलाव करून शासनाच्या खात्यात हा निधी उपलब्ध झाला पाहिजे, जेणेकरून माझ्या जिल्ह्याची जो खनिज विकास प्रतिष्ठान आहे त्या प्रतिष्ठानामध्ये याचा निधी जमा होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये माझ्या या मौदा तालुक्यात या नागपूर जिल्ह्यात या खनिज विकास निधीच्या माध्यमातून विकासाचे कामं आपल्याला करता येईल. आणि म्हणून आज माझ्याकडे 2-2 DYSP ठाणेदार, नायब तहसीलदार या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी त्यांना या ठिकाणी विनंती करेल, वजा आदेश देईल की अशा प्रकारचे अवैध धंदे करणाऱ्यावर तत्काळ FIR करा, त्याला आत्मदह टाका. त्याच्यात जे काही त्याच्यावर कारवाई होत असत, जे काही पैसे निघत असत ते तत्काळ त्याच्याकडून वसूल करा. ही मागणी माझी आज रात्रभर हे अवैध धंद्याच्या मागे मी त्या ठिकाणी फिरतो आहे. अवैध धंद्यामुळे या ठिकाणी गुन्हेगारीची प्रवृत्ती वाढलेली आहे. गुन्हेगार 4-चाकाच्या गाडीनं फिरत आहेत, 50-50 गुन्हेगाराच्या गाड्या या तालुक्यात फिरत आहेत.
आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर पोलीसवाले सामान्य नागरिकाचे रक्षण करत नसतील, तहसीलदार SDO हे जर आपल्या संपत्तीची जतन करत नसतील, तर अशा लोकांची एक सेकंद एक मिनिट आम्हाला यायची गरज नाहीये. इमानदार अधिकारी या ठिकाणी आले पाहिजे, ही आपली मागणी आहे. रामटेक शीतलवाड़ी परिसर में एक व्यक्ति के घर में ही छत की रॉड गिरने से मौत हो गई. प्रज्वलित की अचानक मौत होने से परिसर में शोक की लहर छाई है. घर में कुछ रिपेयरिंग का काम करने के दौरान छत का रॉड सिर पर गिरने से एक विवाहित व्यक्ति की मौत हो गई. ये घटना रामटेक के शीतलवाड़ी परिसर में घटी. मिली जानकारी के अनुसार मृतक प्रज्वलित प्रवीण अंधारमुले उम्र 41 वर्ष शास्त्री वार्ड का रहने वाला है. उसने शीतलवाड़ी में एक घर खरीदा था. इसी घर का कुछ रिपेयरिंग का काम बचा हुआ था, इसीलिए वे उस नए घर में गया था. इसी बीच एक रॉड नीचे गिरी और प्रज्वलित के सिर को लग गई, जिसमें व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक अपने पीछे पत्नी, माता पिता, एक बेटा व एक छोटी बेटी, ऐसा भरा पूरा परिवार छोड़ गए. प्रज्वलित की मौत से परिसर में शोक की लहर छाई है. विदर्भ में प्रकृति ने वन प्रचुर मात्रा में दिए हैं, लेकिन अब वनों में रहने वाले प्राणी लोगों के लिए खतरा बनते हैं. वन्य जीव और मानव के बीच बढ़ रहे संघर्ष ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. इस बीच चंद्रपुर जिले के पोम्बुरना वन परिक्षेत्र अंतर्गत कसरगट्टा बीट के कविट बोली खेत में कपास चुनने गई महिला पर बाघ ने हमला किया, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई. यह घटना बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे हुई. बताया गया कि कसरगट्टा निवासी बेबी हनुमान धोरडे कसरगट्टा गांव से लगे कविट बोली में गंगाराम मोहन धोड़के के खेत में कपास निकालने का काम कर रही थी, तभी बाघ ने महिला पर हमला कर दिया. घटना की जानकारी वन विभाग अधिकारी को दिए जाने पर वे घटनास्थल पर पहुंचे. पिछले 4 दिनों में यह दूसरी घटना है. 4 दिनों में ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में महिला वन रक्षक स्वाति डुम ने ड्यूटी करते समय माया नामक बाघिन ने हमला किया, जिसमें स्वाति की मृत्यु हो गई थी. लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है. बताया जाता है कि संरक्षित व असंरक्षित जंगल में बाघों की संख्या बढ़ रही है. गांव के पास जंगली झाड़ियों में बाघों का संचार बढ़ते जा रहा है. गांव के लोग पास के खेती तथा जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाते हैं, जहां झाड़ियों में छिपे बाघ उन पर हमला कर देते हैं. इन घटनाओं से परिसर में बाघ की दहशत फैल रही है. बाघ का बंदोबस्त करने की मांग ग्रामीणों ने की है. पिछले वर्षों में वनों को संरक्षित किए जाने से वन्य प्राणियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है. वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने का ही नतीजा है कि अब वे आसान शिकार की तलाश में गांव की ओर रुख कर रहे हैं. सरकारी कार्यालयों के कबाड़ में अक्सर शराब की खाली बोतलें मिलती है. कुछ वर्ष पहले जिला परिषद इमारत की छत पर भी दारू पार्टी की घटना चर्चा में रही थी, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही यदि नशे में रहे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी. इसी तरह की एक घटना प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सामने आई है. दरअसल सुरक्षा रक्षकों का दारू पीता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद ही घटना का पता चला. प्रादेशिक मनोरुग्णालय में सुरक्षा रक्षकों द्वारा ड्यूटी के दौरान दारू पार्टी करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम माडवी ने इस मामले में संबंधित रक्षक व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रादेशिक मनोरुग्णालय अक्सर मरीजों की मौत को लेकर चर्चा रहता है. इस बार सुरक्षा रक्षकों की वजह से चर्चा में आया है. वर्तमान में अस्पताल में करीब 500 स्त्री व पुरुष मरीज उपचार ले रहे हैं. अस्पताल में वार्ड की ओर जाते समय मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम है. इन सुरक्षा रक्षकों की जिम्मेदारी वार्डों में भर्ती मरीजों और कार्य करने वाले स्टाफ के सुरक्षा की है. वार्ड के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति नहीं आ सकता, लेकिन सुरक्षा रक्षक ही शराब के नशे में रहेंगे तो फिर सुरक्षा कैसी होगी, यह सवाल खड़ा हो गया है. प्रादेशिक मनोरुग्णालय 42 एकड़ परिसर में फैला हुआ है. इसकी तुलना में केवल 12 सुरक्षा रक्षक तैनात है. एक शिफ्ट में 3 सुरक्षा रक्षक ड्यूटी पर होते हैं. चौथी रोटी है ना? चौथी रोटी है नहीं, चौथी है. अरे पांचवी रोटी है ना, अपने वास्तव रोटी है. चावल लेना? हाँ, ये गर्म ही से चावल है, गर्म चावल. और अपना डब्बे में है ना, पूरा गर्म ही रहता चावल. चावल रोटी है गर्म. Thank you.
तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।